अमेरिका में बैंकिंग संकट के बाद डामाडोल हो रहे अर्थतंत्र के बीच दुनिया का एक और विकसित देश जर्मनी मंदी की चपेट में आने लगा है। खबर है कि यूरोप का विकास इंजन कहे जाने वाले जर्मनी मंदी के दौर में प्रवेश कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी पहचाने जाने वाला जर्मनी आखिर मंदी के दरवाजे पर कैसे आ गया और इसका भारत पर क्या होगा असर। सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूँ श्रेया ठाकुर। जर्मनी के 2023 की पहली तिमाही में GDP में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल की चौथी तिमाही में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। आंकड़े बताते हैं कि देश में मंदी की मार नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार दो तिमाहियों में दबाव की स्थिति का बने रहना आमतौर पर मंदी की ओर इशारा करता है। दो तिमाहियों से गिरावट की वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता यानी अनस्टेबिलिटी आ गई है, जिसके चलते जर्मनी में मंदी का दौर शुरू हो गया है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल जर्मनी यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पैदा हुए ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। देश अपने औद्योगिक क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को स्थायी रूप से पूरा करने में भी नाकाम रहा है। इसी के साथ देश में रूसी ईंधन की भी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। देश में राजनीतिक और व्यापारिक सेक्टर को भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्कोल्स प्रशासन ने 2030 तक 625 मिलियन सौर पैनल और 19,000 विंड टर्बाइन स्थापित करने की योजना तैयार की है, लेकिन ये योजना भी बढ़ती मांग का सामना नहीं कर पा रही है। अब अहम सवाल आता है कि इसका असर भारत पे क्या होगा। देखिए, जर्मनी अर्थव्यवस्था में मंदी निश्चित रूप से भारतीय निर्यात को प्रभावित कर रही है। भारत से सबसे ज्यादा परिधान, जूते और चमड़े के सामान का निर्यात होता है, ऐसे में इन क्षेत्रों पर जरूर असर पड़ेगा। कई एक्सपोर्टर इस मंदी के नतीजों के बारे में चिंता जाहिर कर रहे हैं। आर्थिक मंदी का प्रभाव जर्मनी के साथ साथ दूसरे यूरोपियन देशों पर भी पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जर्मनी में आर्थिक मंदी का असर उत्पादों, रसायनों और हल्की इंजीनियरिंग चीजों पर देखने को मिलेगा। जर्मनी में आर्थिक मंदी की वजह से इंडियन एक्सपोर्ट में भी गिरावट आ सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत का निर्यात 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि आने वाले दिनों में मंदी से प्रभावित हो सकता है। भारत और जर्मनी का कारोबार जिस तरह से आपस में जुड़ा है, अगर मंदी का झटका लगा तो निश्चित तौर पर इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका मंदी की चपेट में आ रहा है, तो वहीं जर्मनी में मंदी की नई आहट ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका असर कहां तक देखने को मिलता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।